जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियन हुआ पूरे उत्तर प्रदेश से टॉप 16 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। पिछले ओवर के रेडर बोनस की कोशिश की गई, फिर से ऑल आउट का खतरा है, लोना के रूप में मिलता है जब कोई टीम होती है ऑल आउट, कबड्डी में ऑल आउट के बाद ऑल इन। तो सब्स्टिट्यूट किया गया है इस समय बिजनौर की टीम के द्वारा। तो आउट के बाद फिर से रेडर इस समय बहुत अच्छा डिफेंस है, बहुत करीब है अपना हाथ, मिड लाइन के करीब है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। कबड्डी में सभी लाइन इंक्लूड होता है तो मिड लाइन को क्रॉस करना था फिलहाल पॉइंट बनारस के डिफेंस टीम को और हाफ टाइम का इशारा आता हुआ फर्स्ट हाफ समाप्त होता हुआ इस मुकाबले का। देखिए यहाँ कबड्डी के बहुत बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिव महासचिव जी नंबर 99 गौतम बुद्ध नगर पुल मीना रहा है, सहारनपुर पुल रनर, पुल सी से हापुर पुल विनर हुआ है, शामली पुल रनर है, पुल डी में ये चल रहा है, मैच खत्म हो जाएगा तब बताया जाएगा कौन विनर है कौन रनर है। प्लेट पर बिजनौर के जर्सी नंबर 99 हेलो, अभी तक जो नॉकआउट का चला है उसमें मुजफ्फरनगर का मैच होगा जो पुल डी की उप विजेता टीम होगी और सहारनपुर का मैच हापुर से होगा, गौतम बुद्ध नगर का शामली से होगा, तथा गाजियाबाद का मैच जो पुल डी की विजेता टीम होगी उससे होगा। तो इस तरीके से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले सर ने अनाउंस कर दिए हैं। जर्सी नंबर 11 बिजनौर के रेडर इसमें रेड पर वाराणसी की कोर्ट पर फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच गौतम बुद्ध नगर वर्सेस शामली। आई रिक्वेस्ट बोथ टीम मैनेजर काइंडली गैदर योर टीम। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच गौतम बुद्ध नगर वर्सेस शामली। आई रिक्वेस्ट बोथ टीम मैनेजर काइंडली गैदर योर टीम। थैंक यू। एक बहुत बेहतरीन फर्स्ट ऑफ पॉइंट मिलता हुआ वाराणसी को गोल 30 मिनट पर। तो ये 46वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप है भदोही के इस भिखारीपुर के खेल प्रांगण में। उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के महासचिव राजेश सर मौजूद हैं और उन्हीं के देखरेख में प्रतियोगिता चल रही है। जैसा कि अब बेहतरीन लाइन जम रहा है, पॉइंट मिल जाएगा बिजनौर को। तो अभी हाल में 36 नेशनल गेम जो गुजरात में चल रहा था उसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। हम सभी राजेश सर और उनकी पूरी टीम यूपी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसमें सेमीफाइनल में सर्विसेज को और फाइनल में महाराष्ट्र को पराजित किया था उत्तर प्रदेश की टीम ने। और ये जो जूनियर टीम इस समय यहाँ पर खेल रही है वो उत्तराखंड हरिद्वार में जाएगी नेशनल चैंपियनशिप के लिए, जैसा कि राजेश सर ने बताया है।
ये अंडर 20 20 साल से कम के सभी जूनियर प्लेयर उत्तर प्रदेश को चार जोनों में पूरा डिवाइड किया गया था। अपने अपने जोन से चार चार टीमें क्वालिफाई करके यहाँ पर आई हैं। इसमें बनारस और बिजनौर के बीच में मुकाबला चल रहा है। तमाम अतिथियों खिलाड़ियों का इस प्रतियोगिता के आयोजक मंडल अंतेश सर और पांडे सर सेक्रेटरी भदोही और कमलेश सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी ऑफिसर उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में अपनाया बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हुए बिजनौर पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कबड्डी के खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में खेलते हैं। बनारस की तरफ से टाइम आउट लिया गया है। बड़ी एलईडी में आप देख सकते हैं कबड्डी के खिलाड़ियों के साथ अपने भी चेहरे को। जितने भी सर लोग मौजूद हैं सबका प्रतियोगिता के आयोजक मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जर्सी नंबर 7 बनारस के रेडर परमवीर इस समय रेड पर बेहतरीन इसकी जिनके पास लेकिन कोई पॉइंट बिना वापस बोर्ड पर तो टू आर डाई। थर्ड रेट जर्सी नंबर 9 बिजनौर बोनस और टच पॉइंट ऑप्शन बहुत बेहतरीन के द्वारा कवर में खड़े थे सीधा थाई पर शिकार किया पॉइंट बनारस को। ये दोनों टीमें पुल में जो जीतेगा संभवतः और टॉप करेगा लेकिन जर्सी नंबर 11 इसमें रेट पर कबड्डी ऐसा स्पोर्ट्स से बहुत बारीक से कभी कभी टच हो जाता है। जर्सी में खिलाड़ी को आभास नहीं होता है लेकिन रेफरी बहुत एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के सभी ऑफिशियल वन मैन कंट्रोल का ऑफिशियल के द्वारा निर्देश बिना पॉइंट को वापस बोर्ड पर जर्सी नंबर 11 परमवीर एक बार पीछे रेड पर ये जूनियर खिलाड़ी आगे चल के प्रो कबड्डी में आप सबको देखने को मिल सकते हैं। कल से प्रो कबड्डी शुरू भी हुआ नवा सीजन जो बेंगलुरु में इस समय चल रहा है। कल यूपी ने जयपुर पिंक पैथर को 2 पॉइंट से पराजित किया है बहुत करीबी मुकाबले में। उसमें उत्तर प्रदेश की जैसा कि राजेश सर ने बताया थोड़ी देर पहले जब बहुत सारे खिलाड़ी पीकी एपीएल में खेल रहे हैं तो बहुत लोकप्रिय खेल क्रिकेट के बाद कबड्डी बन चुका है भारत में। बनारस की तरफ से रेड पर जर्सी नंबर 11 उदय इस समय रेड पर बनारस की तरफ से पूरे मैच का वीडियो बनाते हुए भैया लाइव प्रसारण भी चल रहा है बहुत बेहतरीन आयोजक उदय। सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन उदय है अभी अपने कोर्ट पर बनारस की तरफ से बिजनौर के रेडर ये लीग का आखिरी मुकाबला है। इसके बाद से नॉकआउट मुकाबले शुरू होंगे जैसा कि थोड़ी देर पहले सर ने अनाउंस किया था।
डू आर डायरेक्ट बनारस की तरफ से। बहुत अच्छा प्रयास परम के द्वारा, लेकिन उतना ही शानदार कॉम्बिनेशन परमवीर थे वहां पर। अब बिजनौर के जैसे नंबर 99 8 5 एक खिलाड़ी का पैर मिड ब्रेक लाइन के बाहर चला गया। तो कबड्डी जो आप देख रहे हैं 13x10 13 मीटर इसकी लंबाई, 10 मीटर इस कोर्ट की चौड़ाई होती है। बिना किसी खिलाड़ी को टच किए कोई भी प्लेयर कोर्ट के बाहर नहीं जा सकता, और वही बार डिफेंस के द्वारा। उदय बार फिर से रेड पर, लास्ट 5 मिनट इस मुकाबले का, आखिरी 5 मिनट। एक पॉइंट और मिलता हुआ बिजनौर को। सेकंड हाफ का पहला टाइम आउट बिजनौर के द्वारा। 21-16 स्कोर है और बढ़ गए। बेहतरीन कैच लेफ्ट पाने के द्वारा, पॉइंट बिजनौर के नाम। वापसी करने का बेहतरीन मौका बिजनौर के पास, स्कोर को बराबर करने का बेहतरीन मौका। ऑल आउट कर सकती है यहाँ पर, वापसी करने का बेहतरीन मौका वाराणस के पास सुपर टाइगर्स के, 2 पॉइंट और बढ़त को मजबूत बना सकते हैं। तो 20 सेकंड का वक्त मिलता है वापस बिजनौर के रेडर। सेकंड हाफ का सेकंड टाइम आउट बिजनौर के द्वारा। एक टीम को एक हाफ में 2 टाइम आउट मिलता है। बहुत करीबी मुकाबला चलता हुआ 46वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप का, ये लीग का आखिरी मुकाबला चल रहा है बनारस और बिजनौर के बीच में। 2 खिलाड़ी इसमें है बनारस के पास, बहुत एक सुपर टैकल इसके पहले कर चुकी है वाराणसी, क्या एक और सुपर टैकल करेगी वाराणसी करते हैं तो 2 पॉइंट मिल सकता है। उसी तरीके का कैच होता हुआ, बहुत अच्छा कैच राइट कॉर्नर के द्वारा। इसमें बनारस के 2 खिलाड़ी थे, अब 4 हो गए कोर्ट पर। टू आर डाई बनारस की तरफ से, और आखिरी मिनट का समय मैच प्रवेश कर चुका है। और बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, उदय एक बार फिर से अच्छे रूप में फिर गए। तो पॉइंट मिलता हुआ बिजनौर को। परमवीर इसमें रेड पर, मुकाबले में जीत के बहुत करीब जा सकती है दोनों टीमें। फिलहाल बढ़त पर है बनारस। लेकिन समय लीड पर है बनारस, तो समय को व्यर्थ करते हुए और इसके साथ ही वक्त समाप्त होता हुआ इस मुकाबले का। स्कोर की तरफ चलते हैं। अकरम के मित्र से
1926 अकरम जी के मित्र से श्री राम यादव जी की तरफ से 1500 रुपए का नगद पुरस्कार आया है वाराणसी के लिए। टीम कैप्टन वाराणसी आके यहाँ से नगद पैसा ले लेंगे श्री राम यादव द्वारा।